और इस क्षेत्र में हमारा कोर कमेटी जो विधानसभा है उनकी मीटिंगें नहीं हुई थी, तो एक तो वो कार्यक्रम था, फिर जिले की बैठक मेरी ये नहीं हुई थी तो जिले की बैठक थी, उसके साथ यहाँ के प्रमुख लोगों के साथ बैठना था जी। और इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तारीख हमको मिलने वाली है इसी महीने में, तो उसके नाते यहाँ मैदान देखना, व्यवस्था देखना, कुल मिला करके चुनावी तैयारी के नाते ये बैठक है। क्या लगता है जिस तरह से स्ट्रेटजी चल रही है बीजेपी की, कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा इस बार का चुनाव? क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चाहे छोटा हो या बड़ा हो चुनौती मान करके लेती है, और हम चुनाव की दिनों से पहले हम तैयारी नहीं करते, एक चुनाव खत्म होते हम अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। पिछली बार जो परिणाम आए थे वो अनएक्सपेक्टेड थे, इस बार किस तरह से कुछ चुनाव होता है ना, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हर बार एक जैसे परिणाम आते हैं। पिछली बार जनता ने जो वर्डिक्ट किया हमने स्वीकार किया, हमारे कार्यकर्ता ने भी स्वीकार किया, लेकिन उससे आगे हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और जिस प्रकार से 4.5 वर्षों में लगभग 5 वर्ष होने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ को जो पिछड़ा किया है उन्होंने, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार बढ़ा है, खाली वादे करके एक चुनावी वंचिका दे करके घोषणा पत्र के माध्यम से जनता को बरगला करके वो जीते हैं, अब जनता भी समझ चुकी है और उनको महसूस होने लगा कि केंद्र से आया हुआ 50 ऐसे व्यवस्थाओं में हमारा पैसा रुका है, अगर वो दो इंजन की डबल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं, इसलिए जनता ठान चुकी है। भारतीय क्या रहेगा, कितनी सीटें वो बोलते 75 पार, इसकी घोषणा है। एक बार मैं आप प्रेस वालों को छोड़ दो, आजकल भविष्यवाणी सब प्रेस वालों पे छोड़ दो। महत्वपूर्ण सवाल कि टिकट वितरण का क्राइटेरिया क्या होगा, क्या लगता है कि जीताऊ टिकट, जो जीताऊ होगा उसको टिकट देंगे। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।